नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। स्टैंप पेपर का प्रयोग तो कोर्ट कचहरी या फिर किसी सरकारी काम की प्रक्रिया में होता है, लेकिन यहां हम बात कुछ और कर रहे हैं। यदि हम कहें कि स्टैंप पेपर को लोग अपने इष्ट देवता को खुश करने और मनोकामना पूरी करने के लिए अर्जी के रूप में लगाते हैं तो शायद आपको भरोसा ना हो, लेकिन बात एकदम सच है। अल्मोड़ा नगर से 8 किलोमीटर दूर स्थित गोलजीव मंदिर में न्याय पाने या समस्या के समाधान के लिए भक्त यहाँ स्टैंप पेपर पर अर्जी लगाते हैं। मान्यता है कि मंदिर में लगी अर्जी के बाद गोलजीव देवता अपने भक्त की समस्या का समाधान करते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। गोलू देवता का अनोखा मंदिर, भक्त लगाते हैं स्टैंप पेपर पर अर्जी, अर्जी पढ़कर देवता करते हैं मनोकामना पूरी। देश ही नहीं विदेश से भी आते हैं श्रद्धालु। देवभूमि उत्तराखंड मंदिरों और धर्म स्थानों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जिनकी आज तक की लोकप्रियता विदेशों तक में मशहूर है। अल्मोड़ा जिले में दुनिया का अपने आप में ऐसा ही एक अनोखा चितई स्थित गोलू देवी मंदिर है। इसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में किसी मंदिर में इतनी घंटियां नहीं चढ़ाई गई हैं जितनी अकेले गोलू देव के मंदिर में मौजूद है। वहीं इस मंदिर में भगवान का फरियादी की अर्जी पढ़कर मनोकामना पूरी करना भी इसे बेहद खास बनाता है। इस मंदिर की मान्यता सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी है, इसीलिए यहाँ दूर दूर से सैलानी और श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर में प्रवेश करते ही यहाँ अनगिनत घंटियां नजर आने लगती हैं। कई टनों में मंदिर के हर कोने कोने में दिखने वाले इन घंटों घंटियों की संख्या कितनी है ये आज तक मंदिर के लोग भी नहीं जान पाए। आम लोगों में इसे घंटियों वाला मंदिर भी पुकारा जाता है। यहाँ कदम रखते ही घंटियों की कतार शुरू हो जाती है। गोलू देवता के दर्शन के लिए यहाँ रोज ही भक्तों की भीड़ लगी होती है। वहीं पर्यटक भी यहाँ दर्शन और अपनी मुरादों को पूरा कराने के लिए जरूर आते हैं। गोलू देवता को इंसाफ का देवता भी माना जाता है। कहा जाता है कि उनके द्वार से कभी कोई खाली नहीं जाता। यहाँ आने वाले भक्तों को अपनी बात या कष्ट पर्ची पर लिखकर देवता के सामने चढ़ाना होता है। अपनी मुरादें पूरी करने के लिए यहाँ घंटियां बांधने का भी रिवाज है। लोग अपनी आवाज देवता तक पहुँचाने के लिए अर्जी के साथ ये घंटी बांध जाते हैं। दरअसल यहाँ मन्नतें पूरी होने पर घंटियां चढ़ाने की भी परंपरा है और ये घंटियां इस बात की भी तस्दीक करती हैं कि यहाँ कितनी भारे पैमाने पर लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। खास बात यह है कि इन घंटियों को मंदिर प्रशासन गलाकर बेचकर या फिर दूसरे कार्यों में इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इसे भगवान की धरोहर मानकर सहेजा जाता रहा है। चितई मंदिर है आधारिक नाम। मंदिर परिसर में लगे उत्तराखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के बोर्ड गोलू देवता मंदिर का नाम चितई मंदिर बताया गया है। साथ ही सूचना दी गई है कि गोलू देवता को समर्पित ये मंदिर त्वरित न्याय के लिए स्थानीय लोगों में प्रसिद्ध है। गौर भैरव शिव का एक रूप है जो गोलू देवता के अवतार में यहाँ पूजे जाते हैं। मंदिर में हजारों अद्भुत घंटे घंटियों का संग्रह है। ये भी जानना दिलचस्प है कि जिन लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है वो यहाँ घंटी चढ़ाते हैं, यानी मंदिर की घंटियाँ लोगों को न्याय मिलने या उनकी मनोकामना पूरी होने का गवाह है। बताया जाता है कि कुछ लोग किसी मामले में न्याय पाने के लिए गोलू भगवान के दरबार में लिखित अर्जी देते हैं। पंडित इस अर्जी को पढ़कर गोलू देवता को सुनाते हैं। इसके बाद इस आवेदन पत्र को लोग मंदिर परिसर में टांग देते हैं। मनोकामना पूरी होने पर लोग यहाँ घंटी चढ़ाने आते हैं। किसी प्रकार की गलती होने पर लोग यहाँ गोलू देवता से क्षमा याचना करने भी आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।